हे नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज कंपेयर करने वाले हैं एक्सिनोस के 990 को किरिन के 995G से। एंड बहुत लोग ये जो ढूंढ रहे थे मेरे ख्याल से इस वीडियो को, एंड यहाँ पर मैं वाली वीडियो जो है लेके आ चुका हूँ। तो देखते हैं ये वाली वीडियो को एंड देखते हैं कौन सा ज्यादा बेटर चिपसेट है। जहाँ तक बात करते हैं आप फैब्रिकेशन की, तो आपका यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपके एक्सिनोस के 990 में, वो यहाँ पर 7 nm का EUV वाला प्रोसेस है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो किरिन का 995G है, वहाँ पर भी आपको सेम 7 nm का UV वाला प्रोसेस देखने को मिलता है। तो दोनों ही यहाँ पर इक्वल निकल के आ जाते हैं। जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर रैम की, तो रैम में बहुत फर्क देने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो एक्सिनोस का 990 है वो यहाँ पर सपोर्ट करता है क्वाड चैनल 12 GB तक जाने वाला LPDDR5 का रैम, जो कि 2750 MHz पे क्लॉक्ड हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो किरिन का 995G है, वो यहाँ पर क्वाड चैनल LPDDR4X का रैम सपोर्ट करता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2133 MHz तक जा सकती है। तो यहाँ पर रैम के मामले में ऑफकोर्स आपका एक्सिनोस का 990 बेटर है। स्टोरेज के यहाँ पर अगर बात करें, स्टोरेज यहाँ पर दोनों में ही आपको UFS 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसमें यहाँ पर दोनों ही इक्वल निकल के आ जाते हैं। बात अगर करते हैं यहाँ पर CPU की, तो CPU के मामले में यहाँ पर आपको जो Exynos का 990 आपको ऑफर कर रहा है 3 cluster वाला 64-bit पे बेस्ड 8 core वाला एक CPU। यहाँ पर आपको 3 cluster तो मिलते ही है, एंड यहाँ पर पहले क्लस्टर में आपको 2 cores मिल जाते हैं, जो कि मंगूस 5 वाले कोर्स है क्लॉक्ड एट 2.73 GHz, एंड सेकेंड क्लस्टर में आपको 2 cores मिलते हैं, जो कि है कॉर्टेक्स के A76 वाले कोर्स क्लॉक्ड एट 2.5 GHz, एंड लास्ट क्लस्टर में आपको 4 cores मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए, जो कि है कॉर्टेक्स के A55 वाले कोर्स क्लॉक्ड एट 2.0 GHz। ऑन दी अदर हैंड किरिन के 995G में भी आपको 3 cluster वाला CPU देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पहले क्लस्टर में 2 cores मिल जाते हैं कॉर्टेक्स के A76 वाले कोर्स, एंड जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.86 GHz। सेकंड क्लस्टर में आपको 2 cores मिलते हैं कॉर्टेक्स के A76 वाले क्लॉक्ड एट 2.36 GHz, एंड लास्ट क्लस्टर में आपको एफिशिएंसी के लिए कोर्स मिलते हैं, जो कि है कॉर्टेक्स के A55 वाले कोर्स क्लॉक्ड एट 1.95 GHz। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कौन सा बेटर CPU है, तो आपको यहाँ पर स्पेक्स को देखने के बाद तो दोनों ही इक्वल लगते हैं, क्योंकि दोनों में ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज है। तो यहाँ पर मेन लास्ट में डिपेंड करता है कि जो कंपनीज है वो इस चिपसेट को यूज करके कितना ऑप्टिमाइज कर पाती है अपने सॉफ्टवेयर को, तो उसके ऊपर ही रॉ परफॉर्मेंस बेस होगा कि किसके फोन में हम कितना ज्यादा जो है परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर रॉ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, रॉ स्पेक्स की बात करते हैं, दोनों ही इक्वल निकल के आते हैं। बहुत ही माइनर फर्क है, जैसे क्लॉक स्पीड में हल्का फुल्का सा फर्क है, जो कि ज्यादा आपको परफॉर्मेंस में गैप देखने को नहीं मिलेगा आपके रियल लाइफ परफॉर्मेंस में, अगर ऑप्टिमाइज किया जाए दोनों को बहुत ही अच्छे से। तो जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर GPU की, तो आपका जो Exynos का 990 आपका पर ऑफर कर रहा है माली G77MP11। ऑन दी अदर हैंड किरिन के 995G में आपको मिल जाता है माली का G76MP16 क्लॉक्ड एट 600 MHz। तो GPU के मामले में आपका जो Exynos का 990 है वो आपको लगभग 25-30% बेटर GPU ऑफर कर रहा है। माली का G77 यहाँ पर वलहल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो माली का G76 है वो एक जनरेशन पुराने, मतलब की बायफ्रॉस्ट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिसकी से जो बैटरी एफिशिएंसी होगी उसमें भी आपको जो है बेटरमेंट देखने को मिलेगा आपके माली के G77 में। जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, तो आपका जो Exynos का 990 है यहाँ पर QHD+ तक के डिस्प्ले को सपोर्ट करता है विद अ रिफ्रेश रेट ऑफ 120 Hz। ऑन दी अदर हैंड जो किरिन का 995G है, यहाँ की जो कंपनी है हुआवे, उसने बताया नहीं है कि कितना ज्यादा जो है ये रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, बट फिर भी हमारे अंदाजे से मैं कह सकता हूँ कि लगभग 4K तक के डिस्प्ले को सपोर्ट करेगा या फिर QHD तक के डिस्प्ले को सपोर्ट करेगा। बट यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो मैं बता नहीं सकता, बिकॉज कंपनी ने खुद ही इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। तो इसको मैं पकड़ चलता हूँ कि 90 Hz तो मिनिमम आपको इसमें मिलने के चांसेस है, 120 Hz तो मैं नहीं कह सकता, बट 90 Hz तो यहाँ पर मिलने ही चाहिए। अभी की बात करते हैं यहाँ पर कैमरा की, तो आपको जो Exynos का 990 है यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा 108 MP का सपोर्ट करता है, एंड मल्टी कैमरा यहाँ पर 24.8 MP का आपको मिल सकता है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो किरिन का 995G है उसका जो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी ने बताया है कि 64 MP का सपोर्ट है सिंगल कैमरा, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज नहीं किया है, तो उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि किसमें कितना क्या मिल रहा है। बट ऑफकोर्स यहाँ पर अगर कंपेरिजन किया जाए तो रॉ स्पेक्स में आपका Exynos का 990 ज्यादा बेटर आपको स्पेक्स ऑफर कर रहा है।
अभी अगर बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आपका जो Exynos का 990 है यहाँ पर 8K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है एंड 4K USD क्वालिटी में 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है। एंड यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सैमसंग ने जो है अपने फोन्स में सिर्फ 24 FPS का ही सपोर्ट दिया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर 24 FPS का सपोर्ट इसलिए ही दिया है बिकॉज यहाँ पर जो 8K के जो रेजोल्यूशन वाले जो वीडियोज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं। उसके जो एक एक वीडियोज होते हैं 10-10 मिनट के, वो बहुत ज्यादा GBs में, बहुत ज्यादा गीगाबाइट्स में जो है स्पेस कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह जो फ्रेम रेट थोड़ा कम दिया गया है, जिसकी वजह से जो स्पेस इशू है उसको थोड़ा सा जो है हैंडल किया जाए। ऑन दी अदर हैंड किरिन 995G यहां पर 4K USD की क्वालिटी में 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अभी अगर बात करते हैं मॉडेम की, तो दोनों ही यहाँ पर 5G मॉडेम के साथ में आते हैं जो कि इंटीग्रेटेड है। एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं Exynos का 990, तो यहाँ पर आपको 7.35 GBPS की डाउनलोडिंग स्पीड एंड 5.12 GBPS की अपलोडिंग स्पीड मिलती है। ऑन दी अदर हैंड आपको मिल जाता है 2.3 GBPS की डाउनलोडिंग स्पीड एंड 1.2 GBPS की अपलोडिंग स्पीड। तो लाइक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फर्क आपको देखने को मिल रहा है, बट दोनों के दोनों चिपसेट के जो स्पीड्स है आपको रियल लाइफ में नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पर रियल लाइफ में अभी तक 5G इंडिया में आया नहीं है, तो आपको मिलने वाला तो नहीं है, बट 2022-23 तक आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट फिलहाल तो इंडिया में आपको ये सारे स्पीड्स नहीं मिलने वाले। अभी अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर Antutu स्कोर्स की, तो आपको जो Exynos का 990 है यहाँ पर स्कोर कर लेता है 527,000 के आसपास। ऑन दी अदर हैंड आपका जो किरिन का 995 भी है यहाँ पर स्कोर कर लेता है 470,000 के आसपास। तो यहाँ पर ऑफकोर्स स्कोर्स में बहुत ज्यादा फर्क है, तो आप इसके ऊपर बेस करके अपना एक लाइक आइडिया लगा सकते हो, एक बेसिक इन्फो ले सकते हो कि कौन सा कितना ज्यादा बेटर होगा परफॉर्मेंस के मामले में। अभी अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर Geekbench 5 की, तो आपका जो Exynos का 990 है यहाँ पर सिंगल कोर में स्कोर कर लेता है 938 एंड मल्टी कोर में स्कोर कर लेता है 2726। ऑन दी अदर हैंड आपका जो Kirin का 995G है वो यहाँ पर सिंगल कोर में स्कोर कर लेता है 772 एंड मल्टी कोर में स्कोर कर लेता है 3012। अभी अगर बात कर लेते हैं आप PUBG टेस्ट की, तो आपका जो Exynos का 990 है यहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक के परफॉर्मेंस में ये चल सकता है। एंड अगर आप बात करते हैं हायर ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर ये HDR प्लस अल्ट्रा तक के सेटिंग्स में भी अच्छे से काम कर सकता है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर कितने FPS आपको मिलते हैं, तो आपको लगभग एक घंटे की गेमिंग में आपको लगभग लगातार स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में 59 FPS मिलते रहेंगे बिना कोई टेंशन के। बट एक घंटे के बाद ये ज्यादा ओवरहीट करने लगता है, तब जो है FPS डाउन गिर जाते हैं। एंड यहाँ पर FPS गिर के 30 से लेके 35 के एवरेज आपको मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। फ्लैगशिप चिपसेट के साथ में ये एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसको सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के बाद ठीक किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि कंपनी इसको कब तक ठीक करेगी। ऑन दी अदर हैंड आपका जो Kirin का 995G है यहाँ पर आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक की सेटिंग मिल जाती है, ये भी लगभग 59 से लेके 58 का आपको FPS दे देता है। एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं हायर ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर आपको HDR प्लस एक्सट्रीम तक की सेटिंग भी मिल जाती है। अगर बात करते हैं यहाँ पर हीटिंग की, तो Exynos का 990 यहाँ पर 41 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर जाता है 30 मिनट की गेमिंग में। ऑन दी अदर हैंड आपका जो Kirin का 995G है यहाँ पर लगभग 38 से लेके 39 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है। तो गेमिंग के लिए यहाँ पर दोनों ही चिपसेट बहुत ही अच्छे हैं, बट आपको कॉन्स्टेंटली बहुत ही अच्छा गेमिंग आपके Kirin के 995G में मिल जाएगा। अभी अगर बात कर लेते हैं बैटरी कंजम्पशन की, तो आपका जो Exynos का 990 है यहाँ पर वो 490 mAh की बैटरी यूज करता है, जिसको अगर आप 4000 mAh के साथ में अगर आप कंपेयर करते हो, तो यहाँ पर ये लगभग 12 से लेकर 13% निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि अगर Exynos के 990 को अगर 4000 mAh की बैटरी दी जाए, तो वो आधे घंटे की गेमिंग में 11 से लेके 12% का एक बैटरी ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड आपके Kirin के 995G में आपको देखने को मिलेगा कि आधे घंटे की गेमिंग के बाद आपका चिपसेट है सिर्फ 60 mAh की बैटरी कंज्यूम कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि अगर इसको 4000 mAh की बैटरी के साथ में कंबाइन किया जाए, तो आधे घंटे की गेमिंग के बाद आपका जो बैटरी ड्रॉपेज है आपको लगभग 5 से लेके 6% का ही दिखने को मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो Kirin का 995G है बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू Exynos 990। एंड ऑफकोर्स ये बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर है वो कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, एंड जो सॉफ्टवेयर एंड जो हार्डवेयर उसके बीच में कितना अच्छे से जो लिंक है वो बैठा हुआ है, एंड बहुत सारी चीजों
डिपेंड करता है, बट फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में से आपका किरिन का 995 जी आपको बेटर पावर एफिशिएंसी ऑफर कर रहा है। तो कंक्लूजन यही है कि आपका जो एक्सिनोस का 990 है यहाँ पर लगभग हर एक क्षेत्र में बेटर निकल के आता है आपके किरिन के 995G से। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं आपके एफिशिएंसी की, तो पावर एफिशिएंसी में आपका किरिन का 995G का कोई मुकाबला नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो टिल देन, दिस इज निक साइनिंग ऑफ।